इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होंगी? फॉर ए रिएक्शन, ए कोई रिएक्टेंट है, उसको यदि प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखनी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ए को रिएक्टेंट ले लिया, उसको हम प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देंगे। हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है। यदि आप पूरा प्रोडक्ट लेते तो प्लस का साइन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है टाइम के साथ। हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया है इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे। चेंज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो, इसकी पावर जीरो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को निशान को हटाने के लिए हम के रखते हैं। के एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। किसी की पावर जीरो क्या होता है? किसी की पावर जीरो वन होता है। वन की यदि हम के साथ मल्टीप्लाई करें तो के, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन। के की वन के साथ मल्टीप्लाई के हो गया। तो डी ए माइनस का साइन है, इसको आप पहली तरफ ले चलेंगे, डी टी ने उस तरफ लेगी के डी टी। तो डी ए किसके इक्वल है, इक्वल टू माइनस के डी टी के। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। यदि आप दोनों तरफ ना इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आता है, डी ए का इंटीग्रेशन माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन। जब टाइम जीरो था, जिस टाइम पर टाइम जीरो था उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या थी, ए नोट। जिस टाइम पर टाइम जीरो था उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या थी, ए नोट। जब टाइम टी हो गया उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, ए। टाइम जीरो पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ए नोट, टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ए नोट। तो डीए का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए। डी ए का इंटीग्रेशन क्या है, ए, और इसकी लिमिट लगी ए नोट से ए तक, इक्वल टू माइनस का निशान है जी टीज, के कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे। डी टी का इंटीग्रेशन टी, जीरो से टी तक लिमिट है जी टीज, जीरो से टी तक लिमिट लगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ टी रखा, टी हो गया। उसके बाद लोअर लिमिट जो जीरो यहाँ पर रखा, तो टी माइनस जीरो, तो ये हो गया माइनस का के की यदि पे टी के साथ मल्टीप्लाई करांगे तो माइनस के टी, के की यदि पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करांगे तो जीरो, तो इस तरफ आ गया माइनस के टी। और उसी प्रकार यदि यहाँ पे ऊपर लिमिट लावा, सबसे पहले ऊपर लिमिट, अपर लिमिट ए, उसके बाद माइनस का निशान, उसके बाद लोअर लिमिट ए नोट, तो ए माइनस ए नोट इक्वल टू के टी। इस ए नोट को जो नेगेटिव है उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाऊंगा, जो चीज इस तरफ नेगेटिव है वह नून जाऊंगी की हो जाऊंगी पॉजिटिव, तो यह पॉजिटिव हो गया माइनस का के टी एज इट इज, तो ए इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। यह होगी इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। जो ए है, जो कंसेंट्रेशन ईब है, वह उतनी है जितनी पहले थी, ए नोट माने जो पहले थी शुरू में थी, माइनस के टी, माइनस के टी। तो के टी को यदि आप इस तरफ ले गया, के टी को आप इस तरफ ले गया, तो माइनस का इस तरफ आगे प्लस का हो गया। ए नोट में से ए नोट एज इट इज, जो माइनस का है यो प्लस का है, इस तरफ आगे माइनस का हो गया। तो के टी किसको इक्वल हो गया, ए नोट माइनस ए। यो टी क्या में है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ आगे डिवाइड में, तो जो सारा है इस सारा के हो गया डिवाइड में हो गया, तो के का मान है 1 बाई टी ए नोट माइनस ए। उसी प्रकार यदि आप इसका ग्राफ लगाएं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। यदि आप किसी का भी ग्राफ बनाना है उसके लिए आप क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो यह इक्वेशन है, इसको यदि आप रीअरेंज करेंगे या किसके इक्वल होगी, ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए नोट। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को यदि आप, यह इक्वेशन है, यदि अपन किसी का ग्राफ बनाना है इसमें m की क्या है, m है स्लोप, y y एक्सिस ने,
एक्स 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 रिप्रेजेंट करेंगे, सी क्या है कॉन्स्टेंट। यदि आप इसने इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वाई एक्सिस पर क्या हो गया ये, एक्स एक्सिस पर क्या हो गया टी, टी से टाइम, सी क्या है कॉन्स्टेंट, तो यो ये नोट क्या हो गया कॉन्स्टेंट। और माइनस का की क्या हो गया स्लोप, माइनस का की हो गया स्लोप, माइनस का है इसलिए स्लोप क्या हो गया डाउनवर्ड, यदि प्लस का होता तो स्लोप क्या होता अपवर्ड। तो यो है इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक और रिएक्टेंट लिया वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस डी अपॉन में डी टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर जीरो के, ए की पावर जीरो वन होता है। प्रोपोर्शनलिटी घटाने के लिए आप कोई कॉन्स्टेंट लेवांगे, कॉन्स्टेंट के ले लिया जिसको आप रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जिसको आप रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं। डी एज इट इज नेगेटिव निशान को उस तरफ लेगी, माइनस के डी टी डिवाइड में है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो गया माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो डी ए इसकी दिया पे लिमिट लगावा, जब टाइम जीरो था तो इसकी कंसेंट्रेशन ए नोट थी, जब टाइम टी हो गया इसकी कंसेंट्रेशन ए होगी। डी ए का इंटीग्रेशन ए, के कॉन्स्टेंट है के को बाहर लिख लिया, डी टी का डी टी की इंटीग्रेशन टी हो गया, लिमिट जीरो से टी तक इक्वल टू, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे टी और लोअर लिमिट जीरो माइनस जीरो, उसी प्रकार लिमिट यहां पर लगा देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट ए उसके बाद लोअर लिमिट ए नोट, तो ए माइनस ए नोट इक्वल टू के टी प्लस में जीरो, क्योंकि के की इसके साथ मल्टीप्लाई, के की उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस के टी। इसको आप रीअरेंज करेंगे ए नोट ने इस तरफ लेंगे तो ए का मान हो गया ए नोट माइनस के टी, के टी को इस तरफ ले गया ये तो प्लस का हो गया, ए को इस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, के का मान क्या है टी डिवाइड में भी गया तो के इक्वल टू वन बाई टी ए नोट माइनस ए। यदि आप इसका ग्राफ बनावा तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, वाई का मान ए हो गया, एक्स का मान टी हो गया, एम स्लोप है माइनस का के, सी कंसेंट्रेशन है, सी कॉन्स्टेंट है, सॉरी सी कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया कॉन्स्टेंट। थैंक यू।